बहुत ही बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। जी दोस्तों, एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने खुदकुशी की। जी हां दोस्तों, बता दें बांद्रा में अपने घर पे ही लगाई फांसी। सुशांत सिंह राजपूत का हो चुका है निधन। जी हां दोस्तों, अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 में हुआ था। वहीं आज 14 जून 2020 को उन्होंने सुसाइड कर लिया। जी हां दोस्तों, बता दें एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने रविवार को अपने घर पर खुदकुशी कर ली है। उन्होंने बांद्रा में अपने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। खुदकुशी कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। मुंबई पुलिस ने उनके घर पर पहुंच गई है, मामले की जांच कर रही है। सुशांत काफी समय से टेंशन में थे। हालांकि आधिकारिक तौर पे अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ थी, जिनमें उन्होंने अभिनय की काफी तारीफ भी हुई थी। सुशांत सिंह आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम पे 3 जून को मां की फोटो की पोस्ट की थी। जी दोस्तों, बता दें काफी लंबे समय से तनाव में थे राजपूत। जी दोस्तों, सूत्रों के मुताबिक सुशांत काफी लंबे समय से थे तनाव में। जी दोस्तों, बहुत समय से पार्टी और मेन स्ट्रीम में भी नहीं दिखाई दे रहे थे। कुछ दिनों पहले ही उनके एक्स मैनेजर ने खुदकुशी कर ली थी। उन्होंने कई पे अपना करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने अपने छोटे छोटे करियर में खास छाप छोड़ी थी। फिल्म MS धोनी में उनके अभिनय की काफी तारीफ की गई थी। जी दोस्तों, हमारे बीच अब नहीं रहे सुशांत सिंह राजपूत। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की अपने घर पर आत्महत्या। दोस्तों, सुशांत सिंह अपनी मां के काफी करीब थे, लेकिन 2002 में उनका मां के निधन हो गया। दोस्तों, बता दें जिससे कि वो काफी हताहत हुए थे। सुशांत सिंह ने दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के एक्ट्रेस एग्जाम 2003 में ऑल ऑफ इंडिया में 7वीं रैंक हासिल की थी। जी हां दोस्तों, मैकेनिकल इंजीनियर के छात्र थे और एक्टिंग के लिए थर्ड ईयर में कॉलेज छोड़ दिया था। दोस्तों,